जिस तरह से दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में जो सांप्रदायिकवादी ताकतों ने, जो उपद्रवियों ने हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जाने वाली शांतिपूर्ण ढंग से उस शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव किया, वो मात्र एक संयोग नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश की भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। जो भी इसमें दोषी है, जिन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जहांगीरपुरी इलाके में पथराव किया शोभा यात्रा पर, उनको सजा मिलनी चाहिए और दिल्ली पुलिस उस काम को जरूर करेगी। और मैं स्वयं भी माननीय गृहमंत्री जी से भी बात करूंगा। लेकिन सवाल उठता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार जिस तरह से आए दिन दिल्ली के उन इलाकों में अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, जहांगीरपुरी हो या जमुना पार हो या दिल्ली के ऐसे इलाके जहां पर बहुत कंजेस्टेड आबादी है, वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उनको बिजली के कनेक्शन, पानी मुहैया करा रही है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की भी ये जवाबदारी है कि उन लोगों को, ऐसे सांप्रदायिक उपद्रवियों को वो संरक्षण क्यों दे रहे हैं। और ये जब ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसे लोगों के संरक्षण के नाम किसका आता है? आम आदमी पार्टी का आता है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, उस दंगों का मास्टरमाइंड कौन था? वो आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन था, अहमदुल्ला का थे। और इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी बहुत निंदा करती है। और मैं सभी दिल्लीवासियों से, जहांगीरपुरी के निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। और इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन वहां जाएगा और परिस्थितियों की वहां की जांच करेगा और दिल्ली पुलिस उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दे, इसकी भी मांग करता हूं।